अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स का दोबारा फिर ऑनलाइन सेशन का स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक आज हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, वो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का एक टॉपिक है और ये एक बहुत अहम टॉपिक है। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट पार्टीशन फंक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन। कुछ भी आप करेंगे, कोई भी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, यू विल यूज पार्टीशन फंक्शन। तो इस हवाले से आज का टॉपिक बहुत अहम है, क्योंकि आज हम थर्मोडायनेमिकल जो स्टैटिस्टिकल फैक्टर का स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का सबसे अहम टॉपिक है थर्म पार्टीशन फंक्शन, उसकी डेरिवेशन आज हम करने जा रहे हैं। तो यूं स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डेरिवेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन। थोड़ा सा एक नोट समझ लें आप, वो हम करेंगे। एक फॉर्मूला थर्मोडायनेमिकल स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स में जो पार्टीशन फंक्शन है, पार्टीशन फंक्शन की डेरिवेशन के लिए एक फार्मूला हम यूज करेंगे। ये आप अपनी स्क्रीन पे सबसे नीचे एक फार्मूला लिखा देख रहे हैं। ये फार्मूला क्या है और क्यों लिखा जा सकता है, इसको पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। दिस वुड बी आर फर्स्ट एक्सप्रेशन विच वी यूज टू फाइंड आउट और टू ड्राइव द पार्टीशन फंक्शन। सो ये एक अहम एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि इसी को यूज करते हुए यही हमारा स्टार्ट होगा, इसी से हमारा स्टार्ट होगा पार्टीशन फंक्शन की डेरिवेशन करने के लिए। तो लिहाजा इसका समझना बहुत जरूरी है। तो ऊपर एक एग्जांपल आपके पास है, अगर आप ऊपर देखें डायग्राम, इस स्लाइड के ऊपर वाले पोर्शन को देखें, तो आपके पास यहाँ पर चार एनर्जी लेवल दिखाए गए हैं। E0, आप अगर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखें तो चार एनर्जी लेवल्स हैं, E0, E1, E2 एंड E3। ये चार एनर्जी लेवल हैं। E0 का मतलब है कि ये एक ऐसा एनर्जी लेवल है जिसकी एनर्जी जीरो है। E1 एक ऐसा एनर्जी लेवल है जिसकी एनर्जी 1 यूनिट है। E2 एक ऐसा एनर्जी लेवल है जिसकी एनर्जी 2 यूनिट है। E3 एक ऐसा एनर्जी लेवल है जिसकी एनर्जी 3 यूनिट्स हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? E0 का मतलब E0 यानी कि 1 नो एनर्जी, 0 एनर्जी वैल्यू का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पार्टिकल E0 एनर्जी लेवल में है तो उसकी एनर्जी 0 होगी। इसी तरह अगर कोई पार्टिकल E1 में है तो E1 एनर्जी लेवल की एनर्जी 1 यूनिट है, तो इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल E1 में है तो उसकी एनर्जी 1 यूनिट है। इसी तरह अगर कोई पार्टिकल E2 में है तो उसकी एनर्जी 2 यूनिट है। इसी तरह अगर कोई पार्टिकल E3 में है तो उसका मतलब है उसकी एनर्जी 3 यूनिट्स है। अब इसी तरह अगर दो पार्टिकल्स हैं आपके पास और दो पार्टिकल्स दोनों के दोनों E2 में है, फर्ज करें आपके पास दो पार्टिकल्स हैं और दोनों के दोनों पार्टिकल E2 में है, तो लिहाजा जो टोटल एनर्जी होगी वो 4 यूनिट्स होंगी, क्योंकि एक पार्टिकल जो E2 में है उसकी एनर्जी 2 यूनिट्स है। तो लिहाजा अगर E2 में दो पार्टिकल्स हैं तो उसकी एनर्जी टोटल क्या होगी? 4 यूनिट्स। तो यूं आपके पास 4 एनर्जी लेवल्स हैं, E0, E1, E2 एंड E3। अब अगर कोई पार्टिकल E2 में है तो उसका मतलब उसकी एनर्जी 2 यूनिट्स है, अगर कोई पार्टिकल E3 में है तो उसका मतलब है 3 यूनिट्स एनर्जी है उसकी। अगर कोई पार्टिकल E2 में है, अगर एक पार्टिकल E2 में है किसी एक सिस्टम में और उसी सिस्टम में दूसरा पार्टिकल E3 में है, आपके पास एक सिस्टम है, यू हैव अ सिस्टम इन विच वन ऑफ द पार्टिकल इज इन E2 एंड अनदर पार्टिकल इज इन E3, तो 2 वाले की एनर्जी 2 यूनिट्स होगी और 3 वाले की एनर्जी 3 यूनिट्स होगी, तो यू टोटल एनर्जी कितनी होगी? 5 यूनिट्स। तो यूं ये E1, E0, E2 और 3 का मतलब ये है। अच्छा, अब वी हैव, आप देख रहे होंगे नीचे मैंने 3 ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं, मिडिल ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं, 3 ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, 3 केसेस हैं हमारे पास। पहला जो केस है, जो सबसे छोटी ब्रैकेट आप देख रहे हैं, बहुत छोटे साइज की ब्रैकेट लगाई हुई है,
इसमें क्या है, यू हैव अ केस, आपके पास एक केस स्टडी है। वो केस स्टडी ये है कि आपके पास एक सिस्टम है दैट कंप्राइजेस ऑफ थ्री पार्टिकल्स। यू हैव अ सिस्टम एंड दैट सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ थ्री पार्टिकल्स एंड टोटल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम वुड बी इक्वल टू 3 यूनिट्स। द टोटल एक्यूमुलेटिव एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द सेट सिस्टम जिसमें तीन पार्टिकल्स हैं उसकी एनर्जी 3 यूनिट्स है। ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूँ, आपके पास एक सिस्टम है उसमें तीन पार्टिकल्स हैं और उस सिस्टम के जिसमें तीन पार्टिकल्स हैं उनकी जो टोटल एनर्जी है वो 3 यूनिट्स है। वो तीनों यूनिट्स एनर्जी के किसी एक पार्टिकल के भी हो सकते हैं और तीनों के भी एक एक करके हो सकते हैं, व्हाटसोएवर। अच्छा, तो ये पहले केस में क्या है कि आपके पास शर्त ये है कि जो आपका पहला पहली कंडीशन ये है, वो शर्त पहली कंडीशन ये है कि आपके जो तीनों पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठे रहने चाहिए। ठीक है, आपके पास बुनियादी शर्त ये थी कि तीन पार्टिकल, टोटल एनर्जी 3 यूनिट्स। ठीक है, यू हैव अ सिस्टम। अब आपके पास कोई एक बंदा शर्त लगा देता है कि वो तीनों के तीनों पार्टिकल्स एक ही एनर्जी लेवल में रहने चाहिए, तो ऐसे में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि तीनों पार्टिकल्स E1 में आ जाए। अब तीनों पार्टिकल जब E1 में आ जाएंगे, ये आप देख रहे हैं, तीनों पार्टिकल जब E1 में है तो यू पहले पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल और तीसरे पार्टिकल तीनों की एनर्जी 1 1 1 यूनिट होगी। तो यूं टोटल एनर्जी जो कि हमारी कंडीशन थी, प्राइमरी कंडीशन थी कि आपके पास जो पार्टिकल्स है, थ्री जो सिस्टम है थ्री पार्टिकल्स और उसकी टोटल एनर्जी 3 यूनिट्स है, वो पूरी हो रही है। तीनों पार्टिकल्स इकट्ठे भी रह रहे हैं और टोटल जो एनर्जी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 3 यूनिट्स, वो यूं आपके पास पूरी हो रही है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस पॉसिबल ऑप्शन के अलावा आपके पास कोई और पॉसिबल ऑप्शन है जिसमें तीनों पार्टिकल्स इकट्ठे भी रहें और उनकी एनर्जी टोटल एक्यूमुलेटिव एनर्जी, टोटल एनर्जी 3 यूनिट्स रहे, नहीं। इस पोस्ट ये जो स्क्रीन पे कॉम्बिनेशन दिखाया हुआ है, इस कमरे इस दिखाए गए कॉम्बिनेशन के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपकी ये तीनों शर्तें पूरी हों, तीन पार्टिकल, टोटल एनर्जी 3 यूनिट्स और तीनों के तीनों इकट्ठे। तो यू यू हैव ओनली वन ऑप्शन, ये हो गया। अच्छा जी, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड ब्रैकेट, सेकंड केस स्टडी। सेकंड केस स्टडी की प्राइमरी कंडीशन सेम है, थ्री पार्टिकल, टोटल एनर्जी 3 यूनिट्स। लेकिन अब इसमें जो एडिशनल कंडीशन है वो ये है कि तीन पार्टिकल जो हैं जिनकी टोटल एनर्जी 3 यूनिट्स होगी, वो तीनों में से दो इकट्ठे रहें और एक उनमें से अलहदा रहें। क्लियर, यानी कि दो पार्टिकल्स एक ही एनर्जी लेवल में हों और जो तीसरा पार्टिकल है वो हटकर किसी और एनर्जी लेवल में हो। तो यूं याद रखिएगा, प्राइमरी कंडीशन जो है थ्री पार्टिकल टोटल एनर्जी 3 वाली की शर्त जहन में रखते हुए इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो जब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पहले पार्टिकल नंबर 1 और पार्टिकल नंबर 2 E0 में आ गया और पार्टिकल नंबर जो 3 है वो E3 में चला गया। तो यूं ये दोनों शर्तें जो थी, पहली शर्त टोटल एनर्जी 3 यूनिट्स वो भी पूरी हो गई और जो दूसरी शर्त थी कि दो इकट्ठे रहें एक अलहदा रहे वो भी पूरी होगी। अब आप देखें कि ये जो जिसमें 1 और 2 E0 में है और पार्टिकल नंबर 3 E3 में है, इनका अगर हम टोटल एनर्जी निकालें, सम निकालें एनर्जी का, E0 का भी, E0 में जो दोनों पार्टिकल्स की एनर्जी 0 यूनिट हो गई और जो E3 में है उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, 3। तो यूं इस तरह वाली रिक्वायरमेंट को पूरे करते हुए हम दो और कम्बिनेशंस रख सकते हैं। ये देखिए, एक कम्बिनेशन ये रहा और तीसरा कम्बिनेशन ये रहा। इसमें पार्टिकल नंबर 1 एंड पार्टिकल नंबर 3 0 में है और पार्टिकल नंबर 2 इज अप देयर इन E3। सिमिलरली फॉर दिस वन, 2 एंड 3 आर इन E0 एंड पार्टिकल नंबर 1 इज इन E3। तो यूं जो शर्त थी, दो पार्टिकल इकट्ठे एक पार्टिकल अलहदा, टोटल एनर्जी 3 यूनिट्स, इन इस कंडीशंस को, इस को अगर हम माने तो यूं हमारे पास तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, तीन ऑप्शंस पॉसिबल हैं, तीन कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, ये आपके सामने रहे। तो यूं पहले वाले केस में सिर्फ एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल था एंड फॉर सेकंड कंडीशंस जो सेकंड कंडीशन लगी थी उसमें तीन कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं।
अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर शर्त ये हो, अगर कंडीशन ये हो कि तीन पार्टिकल्स जो हैं जिनकी टोटल एनर्जी 3 यूनिट्स है, वो तीन आप इस तरह अरेंज करें कि तीनों के तीनों जो हैं वो अलहदा अलहदा एनर्जी लेवल में हों, तीनों के तीनों अलहदा अलहदा एनर्जी लेवल्स में हों, तो यूं आपके पास पहला जो कम्बिनेशन है वो ये बनेगा। पार्टिकल नंबर 1 इन E0, पार्टिकल नंबर 2 इन E1 एंड पार्टिकल नंबर 3 इन E2। इसी तरह फिर पार्टिकल नंबर 1 है वो E0 में ही रहे, लेकिन जो E1 में है उसमें पार्टिकल नंबर 3 आ जाए और E2 में पार्टिकल नंबर 2 आ जाए। इसी तरह इसी में रहते हुए तीसरा कॉम्बिनेशन ये है कि E0 में सेकेंड पार्टिकल जाए। आप देख रहे हैं कि चौथे और पांचवे कॉम्बिनेशन में जो पार्टिकल नंबर 2 है ये E0 में है, जबकि पार्टिकल नंबर 1 और पार्टिकल नंबर 3 जो हैं दे आर एक्सचेंजिंग देमसेल्व विद ईच अदर इन E1 एंड E2। इसी तरह जो फोर्थ और फिफ्थ सॉरी फिफ्थ एंड सिक्स कॉम्बिनेशन है, फिफ्थ एंड सिक्स कॉम्बिनेशन में जो पार्टिकल नंबर 3 है इट इज इन E0 इन बोथ दिस केसेस एंड पार्टिकल नंबर 2 एंड पार्टिकल नंबर 1 दे आर रिजाइडिंग इन E1 एंड E2। एक में E1 में पार्टिकल नंबर 2 है और E2 में पार्टिकल नंबर 1 है, फिर दूसरे वाले में E1 में पार्टिकल नंबर 1 है और E2 में पार्टिकल नंबर 2 है। तो यूं ये तीन छह पॉसिबल कॉम्बिनेशन हुए। छह पॉसिबल कॉम्बिनेशन किस चीज के हुए कि तीनों के तीनों पार्टिकल जिनकी टोटल एनर्जी 3 यूनिट्स है वो तीनों के तीनों पार्टिकल अलहदा अलहदा एनर्जी लेवल में रिजाइड करें। अच्छा, ये था एक छोटा सा पजल। अब आप देख रहे हैं कि तीन पार्टिकल्स हैं, सिर्फ तीन एनर्जी यूनिट्स हैं, चार एनर्जी यूनिट्स हैं, और हमने मुख्तलिफ तरीकों से जब अरेंज किया तो हमारे पास 10 पॉसिबल ऑप्शंस बने। और आप देख रहे हैं कि पहले वाला सबसे आसान था, दूसरा वाला कदरे मुश्किल था और तीसरा वाला जरा ज्यादा मुश्किल था। इसी तरह जब सूरत ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल नहीं थी, सिर्फ तीन पार्टिकल थे, चार एनर्जी लेवल थे और टोटल एनर्जी 3 यूनिट थी। लेकिन जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो, कंडीशंस जो है वो थोड़ी सी मजीद वर्सटाइल हो जाए, तो इन पार्टिकल्स को अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। सो फॉर सच काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देयर शुड बी अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल वे टू फिगर आउट दीज कॉम्बिनेशन और दीज डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है देखते हैं। ये पहला केस था इसमें तीनों के तीनों पार्टिकल्स इकट्ठे थे। इसके लिए हम फॉर्मूला बनाएं तो क्या है, दिस इज 3, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिस 3 इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और फिर आप क्या करें, जीरो हियर दैट 0 इज द नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनर्जी लेवल E0। E0 में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कोई नहीं। तो लिहाजा ये जो फॉर्मूला होगा इसमें क्या होगा, 0 फैक्टोरियल। E0 में चूंकि नंबर ऑफ पार्टिकल 0 है तो लिहाजा हम E0 के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल 0 के लिए हम लिख देंगे 0 फैक्टोरियल। इसी तरह E3 में कितने पार्टिकल्स हैं, E3 में 3 पार्टिकल्स हैं, सॉरी 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 E1 में कितने पार्टिकल्स हैं, 3। तो 3 पार्टिकल्स के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे जरब 3 फैक्टोरियल। जब इस तरह लिखा जाए ना 0 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, देर इज नो साइन मीन दे आर गेटिंग मल्टीप्लाई विद ईच अदर। तो इसी तरह E2 में कितने हैं, E2 में देर इज नो नंबर ऑफ पार्टिकल, तो लिहाजा यहाँ पे भी 0 फैक्टोरियल आ जाएगा। और एट द लास्ट E3 में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, 0, तो लिहाजा इज 0 फैक्टोरियल। तो यूं पहला जो ऑप्शन है, पहला जो पॉसिबिलिटी है जिसमें तीनों पार्टिकल इकट्ठे रहे, उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी है, जो वे ऑफ कॉम्बिनेशंस है, W इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। ये जो न्यूमिनेटर में 3 है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यूं W इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन ई 0 एनर्जी लेवल इनटू 3 फैक्टोरियल व्हिच इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन E1 एनर्जी लेवल इनटू 0 फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल मीन दीज आर द नंबर ऑफ पार्टिकल इन E2 एंड E3 0 एनर्जी लेवल व्हिच मीन देयर इज नो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दिस इज व्हाई वी राइट 0 फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल। सो W इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल। नीचे मैंने सबसे नीचे लिखा हुआ है आपकी आसानी के लिए,
जीरो फैक्टोरियल सबसे नीचे टॉप सॉरी बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आप देखें मैंने लिखा हुआ है जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन। जीरो का जो फैक्टोरियल है दैट इज बाय डिफॉल्ट बाय डेफिनेशन इज इक्वल टू वन। तो यूं पहला वाला जो w1 है इसको हम सॉल्व करते हैं, w1 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल मीन 3 इनटू 2 इनटू 1 और जीरो फैक्टोरियल का मतलब है 1 और फिर ये जो 3 फैक्टोरियल्स को हमने सॉल्व किया 3 इनटू 2 इनटू 1 और फिर जीरो फैक्टोरियल का 1 इनटू 1 लिख लिया। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यू विल गेट एन आंसर ऑफ w1 इज इक्वल टू 1। क्लियर। अच्छा अब इसके लिए आ रहे हैं, इसके लिए हम यही फॉर्मूला लगाते हैं, ऊपर न्यूमिनेटर में आएगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो इन ऑल दीस केसेस डू यू हैव अ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 3, सो यू विल इन ऑल फॉर दिस केस एंड फॉर द लास्ट केस यू विल राइट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द न्यूमिनेटर विद फैक्टोरियल। सो w इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल वेयर 3 इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल इन जीरो एनर्जी लेवल दैट इज 2, सो दिस इज वाई 2 फैक्टोरियल। और फिर ई वन और ई टू में यू नो योर सेकेंड ऑप्शन ई टू और ई थ्री देर इज नो नंबर ऑफ पार्टिकल, तो लिहाजा जीरो फैक्टोरियल आ जाएगा ई वन और ई टू के लिए। और देर इज वन नंबर ऑफ पार्टिकल इन ऑल दीज केसेस, सो दिस इज वाई यू मे राइट 1 फैक्टोरियल। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस वन 3 फैक्टोरियल मीन 3 टू इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 फैक्टोरियल मीन 2 इंटू 1, तो 0 फैक्टोरियल मीन 1 और 1 इंटू 1 इंटू 1 मीन 0 फैक्टोरियल के लिए हमने वैल्यू लगा दी। तो ऊपर वाला जो 3 इंटू 2 इंटू 1 है दैट इज 6 और नीचे जो सारा डिनोमिनेटर है 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इसका आंसर आएगा 2, 6 बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। सो यू विल एंड अप विद आंसर ऑफ w इज इक्वल टू 3। तो यूं इसका मतलब यह है कि इस तरह वाली कॉन्फ़िगरेशन में जो ये हमने इसको देखते हुए लिखा फॉर्मूला, इस तरह वाली कॉन्फ़िगरेशन के टोटल नंबर ऑफ वेज प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है 3, हियर वी हैव 1। सो फॉर द थर्ड ऑप्शन थर्ड कॉम्बिनेशन थर्ड ऑप्शन थर्ड पॉसिबिलिटी दैट थ्री नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑल थ्री नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर रेजाइडिंग इन डिफरेंट एनर्जी लेवल। So in all these six cases where the primary condition, the various conditions are that total number of particles is, must be 3, total energy must be 3, and all these three particles should be resided in separate energy levels. So in all six possible combinations, we have one number of particle in E0, we have one particle in E1, we have one particle in E2, and we have no particle, none of the particle is in E3. So W, the number of ways probability for this, we may write W is equal to 3 factorial, where 3 is the total number of particles. So in numerator, all these three are in previous two formulas, or as well as over here, the numerator is a total number of particle with factorial sign. So we have three number of particles. So this is why w is equal to 3 factorial divided by number of particle in 0 mean 1 factorial into number of particle in E1 factorial mean 1 factorial, number of particle in E2 mean 1 factorial into number of particle in E3 which is 0, it means with into 0 factorial. So w for the third possible option, we may write w is equal to 3 factorial divided by 1 factorial into 1 factorial into 1 factorial into 0 factorial. So after simplification, in the numerator we will have 3 into 2 into 1, and in the denominator we have 1 into 1 into 1 into 1. So after solving, we will end up w is equal to 6. So again, formula is telling us that we have 6 possible combination if we put all the particles in different energy levels having total energy of 3 units. So by keeping all these three exercises, we now we are able to write a general expression to figure out to find out such type of distribution. So w is equal to, now we will write general expression at the bottom. We can write this general expression by looking all these three exercises. So w is equal to n factorial, where capital N is the total number of particles,
divided by in the denominator we will write number of particles in each energy level with the factorial and after having multiplication. So W is equal to capital N factorial in total number of particles factorial divided by N0 factorial into N1 factorial into N2 factorial into N3 factorial and up to N factorial. So in the subscript in the last N, this is the N, and there must be there should be a small N in the subscript. I just forget to write. This is the N factorial. So we now we have a general expression distribution for distribution large number of particles. W is equal to N factorial divided by N naught factorial and one factorial into N two factorial into N three factorial and up to N factorial. So we will now use this general expression over here. This up here. W is equal to n factorial and 0 factorial and 1 factorial and 2 factorial into n factorial. This is our expression number 1. So here you will write after the expression number 1 that take natural logarithm on both sides. So log of W is equal to log of, we'll just simply take log of both sides. We just put in this expression number 2, we will simply put log on both sides. So in expression number 2, we just simply write logarithm of both sides of equation number 1. So in the third step, and now we will go with some mathematical procedure. We know that from the logarithmic definition that if we have two numerator and denominator with the log, then we may write a numerator and denominator separately with log by putting minus in between these two, numerator and denominator, or numerator with plus sign, denominator with minus sign. तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हम जो सेकंड स्टेप है उसका जो राइट हैंड साइड है उसको log की प्रॉपर्टी के तहत न्यूमिनेटर को अलहदा लिख देंगे और डिनोमिनेटर को हम अलहदा लिख देंगे यू विद माइनस साइन. ये हम समय सबको पता है, दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल लॉ एंड ऑल टाइप काइंड ऑफ लॉ. यू ये हमने क्या किया, थर्ड क्वेश्चन में हमने जो राइट हैंड साइड है क्वेश्चन नंबर 2 की, इस पे लॉगरिथमिक एक फॉर्मूला लगाया है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को के लिए अलहदा अलहदा लॉग लिख दिया है विद माइनस साइन बिटवीन देम. तो ये हमने किया. अब नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 में भी हम लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी को यूज करेंगे. आपको पता है कि अगर लॉगरिथम मुख्तलिफ तरह के क्वांटिटीज के लॉगरिथम लिए हों और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हो रहा है log of n naught factorial into log of n1 factorial into log of n2 factorial and so on. तो हम इन तमाम का हम तमाम को हम यूं लिख सकते हैं कि यहाँ से मुझे मेरे से एक गलती हो गई है, इसको मैं कोशिश करता हूँ यहीं पे ठीक हो जाए. लोग जो है वो शुरू में बाहर में आएगा.
अच्छा जी, अब हमने क्या किया है, लोग की प्रॉपर्टी के तहत इन सब के लिए एक ही लोग लिख दिया है। ये लोग जब शुरू में आएगा तो पहले ये आपस में लोग के थ्रू मल्टीप्लाई हो रहे थे, अब इनके दरमियान कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का। अनफॉर्चुनेटली आई एम अनेबल टू रिमूव दीज स्केयर बॉक्सेस, सो जस्ट इग्नोर देम, दीज आर नथिंग, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ये स्केयर बॉक्स जैसे मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, इसको मैं डिलीट भी नहीं कर पा रहा, आई डोंट नो व्हाई। तो लिहाजा यू लॉग ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल माइनस इस वाले जो ब्रैकेट वाले हिस्सा है इक्वेशन नंबर थ्री का, इस क्या किया है लोग की प्रॉपर्टी के तहत इन सब के लिए लोग इकट्ठा लिख दिया है, और इन सब को इकट्ठे अंदर हमने प्लस के साथ लिख दिया है। तो यूं ये आपके पास थोड़ा सा भी मैंने गलती कर दी है। यहाँ पे ये जो लोग हैं, ये मैंने सॉरी ये यूं इधर आना था, आई एम सो सॉरी बिकॉज वी आर नॉट वेरी मच फेमिलियर हाउ टू राइट दिस मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन ओवर हेयर, सो इसलिए यहाँ पे गलती होगी। तो बच्चे क्विकली लोग की प्रॉपर्टी के तहत हमने इन दोनों बटों को अलहदा अलहदा कर दिया, लोग ऑफ एन फैक्टोरियल, और जो डिनोमिनेटर है उसमें माइनस साइन आ गया, लोग ऑफ एन नॉट फैक्टोरियल, एन वन फैक्टोरियल, एन टू, ये सारे का सारा वैसे आ गया। अब लोग की प्रॉपर्टी के तहत इन सब के साथ मैंने लोग अलहदा अलहदा लिख दिया, और यूं जब अलहदा लिखेंगे तो दरमियान में इनके साथ प्लस आ जाएगा, क्लियर। तो लिहाजा यूं आपके पास ये आ गया। तो इन द नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम व्हेन वी मूव फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 5, तो क्या है, हमने क्या है, इट्स वेरी सिंपल, लॉग ऑफ एन डब्ल्यू वैसे का वैसे ही आ गया, लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल वैसे का वैसे ही आ गया, और ये जो पार्ट है विद इन द ब्रैकेट इन फॉर दिस वन वी मे राइट समेशन, समेशन लॉग ऑफ एन इनटू एन आई, आई मीन फ्रॉम वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो टू आई वैल्यू आई फ्रॉम वैल्यू ऑफ आई इज फ्रॉम जीरो टू एन। तो लिहाजा हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 टू 5 वी जस्ट सिंपली replace this bit in the bracket with the summation, ये हमने summation लगा दी, summation equal to log of n i। तो यूं from up to equation number 5 we have very very simple expression, log of w is equal to log of n factorial minus summation log of n i, clear। और यहाँ पे हम if we are not doing anything wrong, there should be factorial over here,
SQL को कॉपी करते हैं और यहाँ पे फैक्टोरियल डाल देते हैं। ठीक हो गया जी। तो यू हमने क्या किया है, इस सारी इक्वेशन को जहाँ पे सम है इसको समेशन लगाकर मुख्तसर करके यहाँ पे लिख दिया। अब अगले स्टेप में क्या हम करेंगे, अब यहाँ पे बिग जुमला आप लिखेंगे, व्हेन वी मूव फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 6 वी जस्ट सिंपली राइट आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट बाय अप्लाइंग स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन आपने डेरिवेशन की हुई है, हम जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था जो फेस टू फेस था उसमें आपको याद होगा कि हमने स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन ड्राइव की थी। तो यूं हम लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल और ये जो लॉग ऑफ स्मॉल एन आई फैक्टोरियल है इन दोनों पर स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। तो पहले हम इस हिस्से पर स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, तो इस हिस्से पर जब स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे अगर आपको याद हो तो ये हो जाएगा एन लॉग ऑफ एन माइनस एन, और फिर ये माइनस वैसे का वैसे ही आ गया, और फिर ये जो बिट है इसमें हमने स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा जस्ट वन मिनट समेशन एन आई लॉग ऑफ एन आई माइनस समेशन एन आई। तो यूं अगर आप एक लम्हे के लिए समेशन को भूल जाएं तो ये हो जाएगा एन आई लॉग ऑफ एन आई माइनस एन आई, और ये जो समेशन है जहां जहां पे आई की टर्म है उसके साथ ये समेशन वैसे ही लिख देंगे। सो वी जस्ट अप्लाइड स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन ओवर लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल एंड लॉग ऑफ एन आई फैक्टोरियल। तो यूं हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन में आप देख रहे हो फैक्टोरियल से जान छूट गई है। तो यूं इसको आगे लेकर चलते हैं, अगले स्टेप में हम क्वेश्चन नंबर 6 से जब क्वेश्चन नंबर 7 में जाएंगे तो ये जो माइनस है इट विल गेट मल्टीप्लाइड इनसाइड। तो आफ्टर गेटिंग मल्टीप्लाइंग माइनस विद दिस वन इट विल बिकम माइनस समेशन एन आई लॉग ऑफ एन आई, और जब इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस समेशन एन आई यू। तो यूं आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गई लॉग ऑफ डब्ल्यू, यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू आना चाहिए था, गलत इसे स्मॉल लिख दिया है मैंने, जस्ट लेट मी करेक्ट इट। अच्छा, तो log of question number 7 में log of w is equal to summation n log of n minus n, और ये minus summation n i log of n i plus ये जो minus है इस minus से multiply होकर क्या हो जाएगा plus summation n i। अच्छा अब यहाँ पे छोटी सी चीज है, वो छोटी सी चीज क्या है भला, वो छोटी सी चीज ये है कि ये जो summation n i है ये क्या है, गौर से सुनिएगा, समेशन एन आई ये है, एन आई एन आई मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनी एनर्जी लेवल। तो यूं अगर आपके पास 4 या 5 एनर्जी लेवल हैं तो ये एन आई मीन नंबर ऑफ पार्टिकल इन 0 एनर्जी लेवल, नंबर ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट एनर्जी लेवल, नंबर ऑफ पार्टिकल इन सेकेंड एनर्जी लेवल, नंबर ऑफ पार्टिकल इन थर्ड एनर्जी लेवल, और इन तमाम को जमा कर देंगे अप टू नंबर ऑफ पार्टिकल इन एन एनर्जी लेवल। तो यूं क्या ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं हो जाएंगे, तो यूं इसकी जगह हम अगले स्टेप में यानी कि यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे विद कैपिटल एन। फिर और लिहाजा जब हम क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 8 में जाएंगे तो समेशन एन आई जिसका मतलब है कैपिटल एन मीन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, इट इज सम ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल इन ऑल एनर्जी लेवल। अगर 0 में 2 हैं 2, पहले में 3 हैं 2+3, तीसरे एनर्जी लेवल में 4 हैं 0+2+3+4, तो यूं तमाम एनर्जी लेवल का जो नंबर ऑफ पार्टिकल का सम है दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इससे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यूं आपके पास जो बाकी बचेगा दैट इज लॉग ऑफ w इज इक्वल टू n लॉग ऑफ n माइनस समेशन n i लॉग ऑफ n i। तो बच्चे अब इसको हम यहीं तक रखते हैं, ये थोड़ा सा ड्राई भी है ट्रिकी भी है और रूटीन से हटकर है डेरिवेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन, आज हम इसको यहीं तक छोड़ते हैं और नाउ फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप ग्रुप में मुझसे पूछिए, ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, मैं ग्रुप में से देख कर हर एक को जवाब दे दूंगा। इंडिविजुअल मैसेज ये इसकी वजह ये होती है कि आप लोगों के चूंकि नंबर मेरे पास सेव नहीं है
तो कई दफा ये होता है कि ऑन स्पॉट आपके जो मैसेज आता है मैं जवाब नहीं दे पाता, जब वो मैसेज नीचे चला जाता है तो मेरे लिए ढूंढना मुश्किल हो जाता है, मुझे नहीं पता लगता कि किस किस ने क्या क्या किस किस नंबर से मुझसे पूछा हुआ है, तो जवाब देना मुश्किल होता है। तो आप ग्रुप पे ही वॉइस मैसेज भेज दे, बेशक भेज दीजिएगा, ग्रुप पे ही पूछिएगा। वॉइस मैसेज मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि आपकी बात मुझे समझ में आ जाए, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो कई दफा अपने आप मुद्दा आप ठीक से बयान नहीं कर पाते, या मुझे आपकी बात समझ में नहीं आती तो मुश्किल होती है। तो इसलिए आई विल प्रेफर कि आप वॉइस मैसेज भेजें ताकि बात समझने में आसानी हो, और मैं भी आपको वॉइस मैसेज के जरिए ही समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको भी बात समझने में आसानी हो रही। ये आपका लेक्चर जो है वो वेडनेसडे का है, असल में अचानक ये चीजें हुई तो मुझे ये जो स्लाइड्स आप देख रहे हैं इसमें मैथमेटिकल चीजें काफी ज्यादा हैं, इनको बनाने में टाइम लगा और मेरा थोड़ा सा लैपटॉप का भी इशू था, इसलिए क्लास थोड़ी सी लेट हो गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो भी का टाइमिंग है उसी में होगी इंशाल्लाह, वो डिले नहीं होने देंगे। तो मैं अब इसको शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि आप जब मेरी बातें सुन रहे होंगे आपने पूरी वीडियो देख ली होगी। अगेन अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। Yeah.